जो आदिवासी युवा शक्ति कुक्षी के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से अनुविभागीय अधिकारी महोदय कुक्षी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 40% वनों को 30 साल के लिए निजीकरण करके का जो निर्णय लिया गया उसे वर्तमान सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम जनजाति कार्य विभाग किया गया, जिसे पुनः नाम बदल दिया, उसे पुनः आदिम जाति कल्याण विभाग किया जाए, जिसको लेकर जयस युवाओं ने प्रदेश स्तरीय आज जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आज जयस कुक्षी युवाओं ने भी SDM महोदय को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन गेंदालाल रणदा द्वारा किया गया, जिसमें जयस प्रदेश अध्यक्ष अंतिम मुजालदार, जयस प्रदेश महासचिव गेंदालाल रणदा, रविराज बघेल, इंदौर संभाग जयस अध्यक्ष रमेश मंडलोई, कुक्षी जयस कॉलेज अध्यक्ष पीयूष कन्नौज आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। खुशी से संवाददाता सरदार सिंह देसाई की रिपोर्ट। संबंध में ज्ञापन देते तहसील कार्यालय, आज वन विभाग जो मध्य प्रदेश शासन ने हमारे जो वन विभाग को बेघर करने के लिए जो जमीने हैं, सरकार चाहती है कि आदिवासी समाज को बेघर किया जाए, पर हमारा ये निवेदन है मध्य प्रदेश शासन से और उनके मंत्रियों से कि आदिवासी समुदाय पूर्ण रूप से जंगलों में रह रहा है और उनकी जो आज निवास कर रहा है लंबे समय से, उनको बेघर कर रहे हैं, वो शासन के जो नियम है वो गलत है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे आदिवासी समुदाय को वहाँ से बचाया जाए।